हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवे के पत्ते की रेसिपी। मैंने अरवे के पत्ते को साफ करके कट कर दिया। उसके बाद चना दाल उड़द दाल को मैंने भिगा के दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, उसके बाद हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक और हरा धनिया पीस के मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद हींग भी ऐड कर दिया है, नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करी, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा ये कोरवर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको आप वड़ी भी बोलते हैं और कोरवर, और गाँव में भी तो सेंधा बोलते हैं। मैं इसका छोटी छोटी वड़े की जैसी बना रही हूँ वड़ा, तो वैसे ही वड़े की जैसा कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैंने इसे तेल को पहले से गर्म कर दिया था, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें नींबू या आमचूर पाउडर बहुत ही ज़रूरी होता है डालना, तो मैंने डाल दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं अभी निकाल रही हूँ। और मैं कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। उसके बाद तड़के के लिए मैंने जीरा ऐड कर दिया है, क्योंकि कढ़ी बहुत ही इसकी टेस्टी बनती है। तो मैंने इसमें मसाले जो मैंने हरा धनिया, मिर्ची और लहसुन पीस के रखा था, मैंने उसका पेस्ट भी डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छी ये कढ़ी बनती है। और ये कढ़ी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं नमक बाद में डालूंगी, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला सब डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसमें हींग बहुत ही ज़रूरी होती है, तो हींग मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी, जिससे कि खुशबू बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो आप जितना मसाले को भूनोगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने भी इसमें हींग भी डाल दिया है, क्योंकि हींग के बिना तो कढ़ी अच्छी ही नहीं लगती है। मैंने हींग डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने दाल बचाई थी आधी इसके, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक कि दाल कढ़ाई छोड़ने ना लगे और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि अगर अच्छी तरह से ये भुनेगी नहीं तो कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने भी दाल को निकाल लिया है और जो थोड़ा सा है मैं उसको भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये चिपकती बहुत है। तो उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भी चला चला के बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं भूनूंगी, जिससे कि कढ़ी अच्छी बने, नहीं तो अच्छी नहीं बनती है। आपके भूनने पे है, आप जितना अच्छा भूनोगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैं इसको अच्छी तरीके से भी भून लूँगी। और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, क्योंकि बहुत तेज गैस को नहीं किया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबा दबा के चला लें, जिससे अच्छी तरीके से मसाले मिल जाए दाल के साथ, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको फ्रेंड धीरे धीरे चला के भूनना है, जिससे नीचे थोड़ा सा लाल लाल हो जाए, सौंधी सौंधी सी ये कढ़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो मैं वड़ी बना के रखी हूँ उसको बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी। बस इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना है, जिससे कि दाल नीचे जले नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही चला चला के अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ, और बहुत ही अच्छा सा ये दाल भून रही है। और ये बारिश का मौसम है, तो ये अरवे की पत्ते की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना है, ऐसे ही मैं भूनती रहूँगी जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और देखो थोड़ा सा कढ़ाई भी छोड़ने लगी है दाल, जब तक एकदम अच्छी तरीके से छोड़ती नहीं, जब तक इसको भूनना है, जिससे कि एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो मैं इसको भूनना बंद कर दूंगी, और मैंने गर्म पानी होने के लिए साइड में रख दिया, क्योंकि अगर गर्म पानी डालेंगे तो बहुत ही जल्दी ये कढ़ी बन के तैयार होती है। तो मैंने भगोनी में रख दिया है साइड में गर्म होने के लिए, जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कढ़ी बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छी तरीके से भी ऐसे भून रही हूँ चला के, थोड़ा सा ये दाल चिपक रही है, इसके लिए इसको बार बार चला रही हूँ। और इसको
अब मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। गर्म पानी से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है, पकने में टाइम भी नहीं लेती है। तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, इसको अच्छी तरीके से भी मिक्स कर रही हूँ जिससे कि गुठलियाँ ना रहें। तो इसको मैं अच्छी से दबा दबा के इसको जितनी गुठलियाँ हैं मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और चम्मच की सहायता से जो लगी है दाल कलछी में उसको भी निकाल देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर गुठलियाँ रहेंगी तो थोड़ा सा कच्ची भी रह सकती है कड़ी, तो इसके लिए मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है और अभी चला ही रही जब तक उबाल नहीं आता है। और इसमें 3-4 उबाल आने तक इसको मैं अच्छी तरीके से इसे पकाती रहूँगी चला चला के, जिससे कि बहुत ही अच्छी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस अभी उबाल आने लगा है, तो ये 2-3 उबाल आने तक इसको अच्छी तरीके से मैं इसे पकाती रहूँगी। उसके बाद में जो कोरवर बनाई हूँ इसको उसी के साथ ऐड कर दूँगी। तो बस अभी कढ़ी थोड़ा सा और पक जाए 4-5 मिनट, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से उबलने लगा है। तो मैं इसमें कोरवर डाल रही हूँ जो कि मैंने बनाया था, उसको वड़ी भी बोलते हैं, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है जिससे कि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और फूल भी जाएगा। तो बस अभी इसको ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस अभी मैंने गैस को भी थोड़ा सा स्लो कर दिया है, उसके बाद मैं इसको ढक्कन से ढक दूंगी और ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगी खाने के लिए। उसके बाद मैं इसको चला रही हूँ और अभी चला कर ढक्कन से ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरीके से मसाले मिल जाए और ये बनके अभी बहुत ही अच्छी तरीके से एक कढ़ी बनके अरवी की पत्ती की तैयार हो गई है। तो आप सर्व करें।